बैतूल में आए दिन बैतूल जिले में पत्रकारों के साथ हमला एवं उन्हें डराने धमकाने की व झूठे प्रकरण दर्ज करने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर आज बैतूल जिले के पत्रकार संगठनों ने एक ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर को अवगत करवाया कि जिला मुख्यालय एवं जिले के अन्य ग्रामीण एवं अन्य शहरी क्षेत्रों के कार्यरत पत्रकारों को अक्सर उनके द्वारा प्रकाशित खबरों को लेकर दुर्भावना से प्रेरित होकर कुछ असामाजिक तत्व और प्रकाशित खबर से जुड़े लोगों द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस संदर्भ में ताजा मामला यह है कि जिले के वरिष्ठ पत्रकार आनंद सोनी द्वारा प्रकाशित एक खबर को लेकर कुछ लोगों द्वारा उनके घर पर जाकर एवं मीडिया सेंटर बैतूल पहुंचकर अपमानजनक एवं अशोभनीय व्यवहार किया गया है। बैतूल जिले में बढ़ती घटनाओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए उचित कार्रवाई कर पत्रकार संघ एवं पत्रकार साथियों को यह विश्वास दिलाने की कृपा करें कि पत्रकारों को किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना का शिकार न होना पड़े। टीम भारती न्यूज। वो बता रहे हैं कि कोई दुर्घटना हो रही है, इनके साथ में कोई हमले कर रहा है, इस टाइप की बातें कर रहे हैं। सर, प्रशासन इनके मदद क्यों नहीं कर पा रहा है? ये बात तो अभी आज सामने आ रही है, तो उसके बाद में जो सर देखिए, इससे पहले भी कई बार हमले हुए पत्रकारों पे, लेकिन आज तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझे नहीं पता यार, मैं तो अभी अभी आया यहाँ इस जिले में। तो सर, इसका आप बारे में आपका क्या कहना है, बताइए। मुझे अभी कुछ नहीं कह सकता बिना उसके। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।